खबर जैसलमेर के पोकरण से है, जहां एक होटल में लगी आग से हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने होटल देवरंग को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था और इसी बीच अज्ञात कारणों के चलते होटल में आग लग गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस क्वारंटाइन सेंटर में किसी मरीज को नहीं रखा गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं आग की सूचना पाकर तहसीलदार राजेश विश्नोई मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है।